एक तरफ बरसात के मौसम में डबल लाइन पुल का कार्य कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 103 मोरसू कुणा पुल पर एक बार फिर बारिश होते ही खड्ड में तब्दील होने लगा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दो पहिया वाहन चालकों के लिए भी इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इस मोरसू कुणा पुल पर कई बार दो पहिया वाहन चालक मुंह के बल गिरे हैं और बुरी तरह घायल हो चुके हैं। वाहन चालकों का कहना है कि देर रात हुई बारिश मोरसू कुणा पुल खड्ड में तब्दील हो चुका है। इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है और वाहनों के पहिए भी पानी में डूब रहे हैं। इस पुल के दोनों तरफ पानी की निकासी भी नहीं है, जिसकी वजह से बारिश होते ही कुणा पुल खड्ड में तब्दील हो रहा है। बरसात के दिनों में यहां पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के लिए इस पुल से गुजरना काफी जोखिम भरा है। वहीं डबल लेन पुल का कार्य भी अभी चल रहा है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके संदर्भ में नेशनल हाईवे के एसडीओ के भारद्वाज का कहना है कि डबल लेन पुल का कार्य सितंबर में पूरा हो जाएगा। अगर मोरसू कुणा पुल पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसका समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा।